बेरू जी महाराज के त्यागन के कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, समस्त ग्रामवासियों का, सारे नौजवानों का, कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और अभी दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जिताया आपने मुझे, चौथी बार राजस्थान की विधानसभा का चुनाव जिताया, दो चुनाव मेरे पिताजी को जिताए और एक छोटे भाई को जिताए, कुल मिला के 9 बार आपने मेरे परिवार को जिताया। और ये 15वां 16वां चुनाव है, जो एक पिछला चुनाव था, हमेशा इस गांव से, इस पूरे इलाके से जबरदस्त जन समर्थन आप लोगों ने मुझे दिया, 36 कौम का सहयोग मेरे साथ रहा, उसी का परिणाम है सलमान बेनीवाल आज किसान कौम की मजबूत आवाज बन के देश की सबसे बड़ी पंचायत, राजस्थान की सड़कें हो या राजस्थान की सियासत हो, सब जगह आपके हक और अधिकार के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता है, 36 कौम की लड़ाई लड़ता है। उस संघर्ष के साथ साथ नए नागौर नए खेमसर के विकास की बात भी करता है, नौजवानों को रोजगार मिले, किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान की बात अगर कोई पार्टी करती है तो राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी है, जो राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है। 70 साल के संघर्ष के बाद आप लोगों का आशीर्वाद से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी हुई वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत थी, इसे आप लोगों का आशीर्वाद से खड़ा किया। भाइयों, मैं चाहता 20 साल पहले मंत्री बन जाता, फिर पाड़ा बदल के मंत्री बनता, दिल्ली में मंत्री बन जाता, लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा और मेरे भाइयों को सत्ता के सिंहासन पर लेके जाऊंगा। प्रयास का ही परिणाम है कि जहां लोग 50 आदमी इकट्ठा नहीं होते थे, वो हजारों लाखों की तादाद के अंदर आप एक आह्वान पर खड़े हो जाते हो। ये देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को जो हवा मिली, ये नागौर की हुकार रैली और बारमेर की जो हुकार रैलियां थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और सीने पे गोलियां खाई और किसानों के कर्ज माफी के आंदोलन को हवा देश के अंदर दी। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसान कर्ज माफी की बात मजबूती से कोई सांसद करता है, वो आपका सांसद है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में था, 25 सीट लेके गया, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी से नाता टूटा, तो बीजेपी के नेताओं को दिल्ली में कहा था मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, और भाजपा की सीटें 25 से 14 पे राजस्थान के अंदर आ गई थी, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजियां नहीं होती तो 5-6 विकेट और उड़ जाते। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आम आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो? जब मैं 8 के अंदर यहां आया था, ये इलाका मुंडवा का पुराना इलाका है, तो नई खेमसर की सीट बनी, और भाइयों नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए 10,000, 5,000, 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती थी IAN ऑफिस के अंदर, थाने तहसील में जब गांव का गरीब आदमी जाता था उसका कोई मान सम्मान नहीं था। मेरे 15, 16, 20 साल के संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि मजाल है कोई थानेदार तहसीलदार बिना वजह किसी आदमी की बेइज्जती कर दे, मजाल है कि भारी लवाजमे के बिना कोई गांव के अंदर पुलिस बल जाके किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय कर दे, किसी दलित के साथ अन्याय कर दे, किसी किसान के साथ अन्याय कर दे। भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया, मैं ये नहीं कहता उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, क्योंकि कलम की ताकत मेरे हाथ में नहीं आई, जनता की ताकत मेरे साथ है और जनता की ताकत से हमेशा सरकारों को झुकाया, इस राजस्थान के नए नौजवानों को लड़ना सिखाया कि सत्ता का सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, धैर्य रखो, हिम्मत रखो। आज के मैं लोगों को देख रहा हूं, धैर्य नहीं, थोड़े समय हमारे साथ रहते हैं, हाथों हाथ MLA MP बन के और शपथ लेने के लिए लालायित रहते हैं। मैंने कितना धैर्य रखा बताओ मुझे, मैंने धैर्य रखा, इसलिए आपके दिलों के अंदर रात को 3 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 6-6 बजे इस राजस्थान के अंदर कार्यक्रम कई हुए, माताएं बहने हजारों नौजवान जिसका इंतजार करते हैं रातों को भी, वो आपका भाई है, और आप खुले मन से मुझे आशीर्वाद देते हैं, और जो वोट नहीं देते हैं वो भी एक बात जरूर राजस्थान के अंदर कहते हैं कि हनुमान जी के घर के दरवाजे हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, अगर किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता वो हनुमान के पास जाता है और उसे न्याय मिलता है। मेरे पे वीर तेजाजी महाराज की कृपा है, भैरव जी की कृपा है,
नाम था पीर की कृपा है, और उसी के परिणाम स्वरूप बड़ी से बड़ी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाया और नया नेतृत्व राजस्थान के अंदर लेके आया। मैं नागौर ही नहीं, राजस्थान में जब नजर उठा कर देखता हूँ, जो हमारे विरोधी हुआ करते थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो हमारे साथ थे वो पाला बदल के दूसरी ओर चले गए। महाभारत वाली स्थिति हो गई, देखते हैं कि सामने कौन है। सामने तो वही लोग हैं जो हमारे इसी ट्रेनिंग लेके गए थे, पुराने जो विरोधी थे वो तो घरों के अंदर घुस गए नागौर और राजस्थान के अंदर। और मैंने हर व्यक्ति की मदद की। मेरे अगर मुझे पार्टी का वोट बैंक ही बढ़ाना होता तो 18 के अंदर भी पार्टी का वोट बैंक 20 लाख होता और 23 में पार्टी का वोट बैंक 30-35 लाख होता। लेकिन मैंने आपका ध्यान रखा, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा। किसी 35 अगर 1,500 किसान आ गए, उन्होंने कह दिया हनुमान जी आपकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाना है, आपकी पार्टी लड़ेगी तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, उस व्यक्ति का इलाज करना है तो किसान विरोधी है। और मैंने आपके कहने से कई जगह टिकटें नहीं दी राजस्थान के अंदर, और कई जगह आपके कहने से टिकटें दी जिससे आप के हिसाब के उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में या कांग्रेस के पुराने मंत्रिमंडल के अंदर एक एक दर्जन मंत्री वो थे जो रात को हनुमान बेनीवाल के घर पे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से और उसे आशीर्वाद देके और वहाँ मंत्रिमंडल की शपथ ली थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई लिस्ट जारी नहीं कर रहा हूँ। रात को उनकी पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाए कि रात को कोई सूची जारी करते, वो मेरे पास आया था यह है, आप जानते हो सारी बातें। जब भी आवश्यकता पड़ी मैं खड़ा मिला इस प्रदेश को, जब भी आवश्यकता पड़ी। पेपर लीक की घटना हुई, जब बजरी माफिया का आतंक सर चढ़ के बोल रहा था, उस वक्त एक नौजवान आपकी राय लड़ रहा था, उस बजरी माफिया के छक्के छुड़ा दिए, ईडी सीबीआई की रेड हुई और बजरी माफिया के मुंह से अगर शब्द निकले कि अगर इस राजस्थान की धरती पर कोई लड़ाका है जिसे कोई खरीद नहीं सकता वो नागौर का सांसद है, वो जिसके पीछे पड़ जाता है उसको दिन में तारे दिखाता है और कई लोगों को तारे, कई नेताओं को भी दिन में दिखाए। भाइयों, वसुंधरा की तूती बोलती थी, कहा नहीं वसुंधरा। हाँ ये सही है कि वसुंधरा के जाने से भजन लाल पैदा हो गया और ये दुर्भाग्य राजस्थान का, ये भी बहुत बड़ा है कि भजन लाल जी जापान गए, जापान से बहुत कुछ लाए। मुझे आज कोई कह रहा था कि बहुत कुछ तो नहीं दे लाए, लेकिन हो सकता कपड़े लिए कोई जापान से खिलौने ले आएंगे, कोई खेलने वाले, जापान में अच्छे मिलते हैं खिलौने, और इनको बड़ा शौक है। वो बच्चे की तरह, बच्चे का जैसा मन है वैसे ही भजन लाल का मन है। इनको दूसरे लोग चलाते हैं, खुद को इनको कहकड़े ऐसे तो कुछ भी नहीं आता। दूसरे लोग कहते साहब ये आदेश कर दो, ये कर दिया, कह रहे साहब गलत हो गए वापिस कर दो, आधे घंटे बाद वापिस कर दिया। ये है भजन लाल सरकार, भजन मंडली राजस्थान की, भजन मंडली भजन लाल सरकार। तो खुद ही कहते हैं, वो कह रहे हाँ भाई मेरे पास ये मंडली है 4-5-7 लोगों को, उनको लेके मैं चल रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो सीएम बना था, उस रात में सोया नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए इंजेक्शन लगा लगा के सुलाया था रात को, मैं मुख्यमंत्री, मैं कई लोगों के पत्ती नहीं है, एकदम से कोई चीज ला के दे दो। और जिसने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, उसको सीधा सीएम बना दिया, उसकी हालत क्या होगी बताओ मुझे। किसी आदमी को उठा के कहते उस प्रांत का राजा हो, उसको कसी के गड़ा ये नहीं पता तो राजा कैसी हरकतें करेगा बताओ। तो ये भजन लाल जो राजस्थान के अंदर आया है, मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं होगा। राजस्थान का जो इतिहास है तो बड़ा इतिहास नहीं था राजस्थान का, सुन लो मेरी बात, बुरा लगेगा तुम लोगों को, राजस्थान का बड़ा इतिहास नहीं था। लंबी लड़ाई राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी, जिस स्टेट में तीसरी पार्टी बनने में अगर 70 साल लगे उस स्टेट के अंदर इतिहास बहुत कम है। तमाम देश के बड़े स्टेट जहां कांग्रेस भाजपा को गर्व सुला के लोगों ने अपनी नई पार्टियां खड़ी की, नई पार्टियों का शासन आया और लंबा शासन चला, पार्टियों को घर पर बिठा दिया। या तो बात जरूर लोग करते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन तीसरे दिन कहते हैं कि जल्दी भूख हड़ताल तोड़ो नहीं तो मेरा पेट दुख रहा है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आप कहते जरूर है, आंदोलन करने से पहले सेटिंग करते हैं कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ मुझे उठा देना, कहीं ऐसा नहीं हो मैं आंदोलन करते करते मर जाऊँ। तो राजस्थान की हिस्ट्री है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ हिस्ट्री करी राजस्थान की, जो भी बाहर से आए लड़ने के लिए आए और हमारे वालों ने सरेंडर, आ जाओ राज करो, किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, किसी से नाते रिश्ते कर लिए, कोई बड़ी हिस्ट्री राजस्थान की नहीं। भाइयों, 1000 साल पहले तेजाजी महाराज हुए, गायों की रखवाली करी, हमारे लोक देवता
यही हमारा इतिहास है राजस्थान का, ये निश्चित रूप से बड़ा इतिहास है राजस्थान का। मीरा भाई की बात कर लें, तेजा जी की कर लें, राणा भाई जी की कर लें, दूसरे हमारे जितने भी लड़ाके थे उनकी हम बात कर लें, निश्चित रूप से थोड़ा सा लगता है। लेकिन इतिहास अगर अपन देखेंगे जाके, जब दिल्ली में जाके आप देखोगे कि किन राज्यों का क्या इतिहास है, उसमें हमारा इतिहास कमजोर है। आज वर्ल्ड कप और ओलंपिक के जो गेम होते हैं उसमें आप देखिए कितने पदक लाते हैं हम लोग, एक आधा या दो तीन, कितने उसमें कितने खुश होते हैं, ओह हमें तो गोल्ड नहीं मिला तो दूसरा ही मिल गया। एक अपने नागौर जिले जितनी आबादी वाला देश है ना, वो 30-40 गोल्ड लेके आते हैं ओलंपिक के अंदर। दुर्भाग्य से तो सरकारों ने ध्यान दिया और हमारे नेताओं ने सिवाय जनाली के दूसरा काम नहीं किया, या तो खुद का घर पाला और या अपने अड़ोस पड़ोस के भांजे भतीजे जवाई जीजा जी और आस पड़ोस के बुआ जी फूफा जी उस तक ही सिमट गए, इसकी वजह से आज आप लोग तकलीफ के अंदर हो। हाँ आप लोग ये भी कह सकते हो कि हनुमान जी हम तो लगातार आपको वोट दे रहे हैं, हम आपको लगातार जीता रहे, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। कर रहा हूं, जब मैं 8 में आया था खेमसर विधानसभा क्षेत्र की 70-80 हजार ढाणियों के अंदर अंधेरा था, वह उजाला कर दिया, 5 महाविद्यालय, कई स्कूल, कई अस्पताल, कई हाईवे, सड़कें और तमाम ढाणी ढाणी पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया। और देश में इस राजस्थान के जवान ने अग्निवीर योजना का विरोध अगर किसी सांसद ने देश में किया तो नागौर के सांसद ने किया। कृषि कानूनों की खिलाफत पंजाब से उठी थी और पंजाब ने नेतृत्व किया किसानों के आंदोलन का, लेकिन उस यज्ञ के अंदर अगर देश के किसी किसान के बेटे ने आहुति दी तो नागौर के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया और जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके 70 दिन आपके लिए ठंड के अंदर बैठा रहा। मुझे आवश्यकता नहीं थी ठंड में बैठे रहने की, मैं भी ज्योति मिर्जा की तरह विदेश यात्राएं कर सकता हूं, मुझे कोई रोकता है क्या, मैं तो खूब हवाई जहाजों के अंदर घूमता हूं, घूम ही रहा हूं उधर उठ जाऊं जाके। लेकिन भाइयों मुझे धन्यवाद दो, इनको तेजा जी याद दिलाए, इनको पैदल फेरिया याद दिलाई, इनको क्या क्या नाम याद दिलाए, इनको गांव के नाम याद दिलाए, अब तो ज्योति मिर्जा को सरपंचों के नाम भी याद दिला दिए। नरसिंह जी को नाम तो 5-6 बार ले रहे दिन में हाइट बराबर है तो ना भाइयों बड़दों का की, क्योंकि मेरे पिताजी का इस गांव से बड़ा प्रेम था। आपने भी हमेशा मेरा साथ दिया, कुछ घोषणाएं नौजवानों की इच्छा थी, एक तो मेरू बाबा का स्थान है जहाँ आज का कार्यक्रम है, जोरदार जयकारा लगे बोले भैरव जी महाराज की जय हो। मेन रोड से भैरव जी मंदिर तक डिवाइडर पे सड़क, ये बता रहे पहले की घोषणा आपकी होगी, तो मैं इसको आपके जल्दी गौड़ू बड़दों का जो सड़क आ रही है इसके साथ साथ इसको बना देंगे आपके जल्दी इस सड़क को, ठीक है। एक आपका डिजिटल लाइब्रेरी की बात आप करें, डिजिटल लाइब्रेरी राज्य उपाधि बड़नों का स्कूल में बनानी है गांव में कहां पे, अब आप लोग बता देना कहां चाहते हो, जहां गांव के लोग चाहेंगे वहीं आपकी डिजिटल लाइब्रेरी बना देंगे, तो ज्यादा फायदा कैसे होगा गांव के लोगों का, वही काम आपको करना है, ठीक है। पंचित जितनी भी डाणियां बड़नों का की इलोड़ी पंचायत की, उन तमाम डाणियों में आने वाले 10-15-20-25 दिन के अंदर अंदर तमाम डाणियां बिजली से जुड़ जाएगी। केंद्र का पैसा है, किसी का पैसा नहीं, कोई झूठा अगर फोन करके कह रहा है कि मैं तार पोल खड़ा करूं, पोल खड़ा रख दे, तार ला दे, लेके चलो काम मत कर, ध्यान रखना हर बात का, क्योंकि झांसों की दुकानें हर जगह खुल गई है। बिना बजट वाले कह रहे हैं कि मैं मेरे बजट से ये कर दूंगा, बजट आया कहां से, बजट तो जीतू को होता हरे वक्त को बजट, मैंने तो नहीं छोड़ा थी। भाइयों एक बड़ों का से मेघ वालों की डाणियां होते हुए दवा तक सड़क की डिमांड है, इसको भी हम आपके पूरा कराएंगे। बड़नों का से रोण की भी आपने लिखी बाईपास सड़क, जो जो आप लिख के दे रहे हैं मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि 100% काम आपके हो, नहीं तो 70-80% तो जल्दी करा दूंगा, और बचेगा वो भी काम आपके पूरे कराएंगे। आप काम के मामले के अंदर अपने आप को